हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर प्रस्पेक्टिव क्लासेस। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर कब लागू किया गया? आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन है? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकती? आंसर हो जाएगा क्योंकि देसी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में यह कथन सत्य है। पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य को कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको किनको शामिल कर दिया गया? आंसर हो जाएगा आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, यूरोपियों व हरिजनों को। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु निर्वाचन संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब तथा किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया? आंसर हो जाएगा उसकी भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, इसी कारण मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? आंसर हो जाएगा मार्च 1946 में। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? आंसर हो जाएगा पैंथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि भारत में व्यापार के अध्यक्ष थे, ए बी अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक समुदाय सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? आंसर हो जाएगा 1,000,000 की जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम में उल्लिखित योजना पर आधारित है? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? आंसर हो जाएगा स्वायत्त शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? आंसर हो जाएगा तीन सूचियों में शामिल थी, जिसमें पहली थी संघ सूची जिसमें थे 59 विषय, दूसरी थी प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे और तीसरी थी समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। यह प्रांतीय विधान सभा सदस्यों द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा, इसके तीन समुदाय हैं। पहला है सामान्य, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है सिख। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? आंसर हो जाएगा 389। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन, फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधायिका सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाई गई? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 6 प्रांतों में। अगला क्वेश्चन, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक बेकरों वाली इंजन रहित गाड़ी है? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आंसर हो जाएगा भारत में डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा M.N. राय ने। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? आंसर हो जाएगा 208 सीटों पर। इसमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया? आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, प्रीवी काउंसिल थी? आंसर हो जाएगा वह परिषद जिसे तात्कालिक ब्रिटिश साम्राज्य ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत, जिसमें 55 द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास 49 व बिहार 36 थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? आंसर हो जाएगा मैसूर से थे, जिसमें 7 लोग थे, और द्वितीय स्थान ट्रावनकोर, जिसमें 6 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद ने। अगला क्वेश्चन कथन और कारण पर है। कथन कह रहा है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है, यह कथन सही है। कारण दे रहा है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत जो है बंटवारा से बच सकता है, यह कारण जो है यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन व जगजीवन राम में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी के गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है, संविधान की पांडुलेखन समिति का मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर एवं जवाहरलाल नेहरू में से कौन सदस्य नहीं थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, एन गोपाल स्वामी, सरदार पटेल, के एम मुंशी, बी एल मित्र में से कौन कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? आंसर हो जाएगा एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी व बी एल मित्र। अगला क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, कब भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? आंसर हो जाएगा बंगाल के पूर्वी भाग से। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजनोपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के एम आर जयशंकर के रिक्त करा करके उपचुनाव द्वारा अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? आंसर हो जाएगा बंगाल। प्रधानमंत्री वहां के थे उस समय के, एच एस सोहरावर्दी। अगला क्वेश्चन, डोमिनियन स्टेटस से क्या आशय है? डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना, तथा शासित प्रदेश अर्थात ब्रिटेन की साम्राज्यवादी का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उसका शासन था, डोमिनियल की संज्ञा से अभिहित किया गया है। वर्तमान में डोमियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? आंसर हो जाएगा 324। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल की सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से दो सीमा आयोगों का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा 30 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारत पर पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सर रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन, भारत मंत्री सचिव पद पर हस्ताक्षर कब समाप्त कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासत पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? आंसर हो जाएगा 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज्य का। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कब चुना गया? आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? आंसर हो जाएगा टी कृष्णामाचारी को। अगला क्वेश्चन, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा की सदस्यता समाप्त हो गई, फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? आंसर हो जाएगा 299 थे कुल सदस्य, जिनमें 229 प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान में कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? आंसर हो जाएगा 3 वाचन के पश्चात। प्रथम जो था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक, दूसरा जो था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, जो तीसरा था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर हो जाएगा 12 अधिवेशन। कुल अधिवेशन की जो अवधि थी 165 दिन की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? आंसर हो जाएगा 114 दिन तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसा माना जाता है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1947 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को। अगला क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो कि सत्य हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला कथन है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। अगला, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य B.T. कृष्णामाचारी थे। अगला, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा अशोक चक्र को राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, 6 दिसंबर 2016 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? आंसर 61वीं
6 दिसंबर 1956 को मृत्यु व 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला कथन दिया गया है जो कि सत्य है, तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 24 तिल्लियां होती हैं। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां एवं भाग थे? आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग, परंतु वर्तमान समय में यह 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 394 के तहत। यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्ति जैसे कि लागू होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को यह तिथि विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन का। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर हो जाएगा बीएन राय। अगला है, प्रारूप समिति के सदस्य थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र व डी पी खेतान। अगला क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन है आइवर जेन्निकस का।